और दूसरी बात, जब तक बंदे के अंदर ईमान ना हो। कुरान की जो आयत सूरह नहल की मैंने आपके सामने तिलावत की है, मन आमिल सालिहम मिन ज़किरिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन, कि हर वो बंदा जो नेक अमल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वहुवा मुमिनुन, और वो मोमिन भी हो। 100 ऊंट तो अबू जहल ने भी कुर्बान किया, लेकिन वो मोमिन नहीं था। उसके अमल बर्बाद क्यों हो गए? वो मोमिन नहीं थे। हाजियों को सत्तू पिलाया, लेकिन मोमिन नहीं थे। और आप ईमान के बाद किसी को एक घूंट पानी भी पिलाएंगे तो अल्लाह उसका भी आपको अजर देगा, क्योंकि आप मोमिन। और मोमिन कब बनता है? जब आदमी के दिल से शिर्क निकल जाए। शिर्क के होते हुए कभी मोमिन हो ही नहीं। शिर्क निकल जाए, अल्लाह की तौहीद पर यकीन। अगर आप यूं कहें ना, अल्लाह कितने हैं, देवबंदी से, बरेलवी से, हत्ता के शिया से, आप पूछे कितने हैं, लगा पागल हो गया क्या? अल्लाह एक ही। कितने हैं तेरा सवाल ही गलत, अल्लाह एक ही। लेकिन वो मुवहिद नहीं होगा, फिर भी मुशरिक होगा। आप पूछे ना किसी से अल्लाह कितने हैं, वो कहेगा तेरा सवाल गलत है, अल्लाह भी कितने होते। ये तो ऐसा सवाल है जैसे किसी से कोई ये पूछे कि तेरे बाप कितने हैं, वो लड़ पड़ेगा। ऐसा ही ये जुमला है, अल्लाह एक। जैसे बाप एक होता है ना, अल्लाह भी एक होता है। दूसरा बाप अगर किसी ने बनाया, जमाना उसको गाली दे, ये हलाली नहीं। यही मामला शिर्क है। दूसरा रब बनाएगा किसी को, ईमान खत्म, वह हुआ मोमिन।